जिला कांगड़ा के नगरोटा सूर्या में मंगलवार को प्रदेश पोंग बांध समिति और युवा शक्ति ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान युवा शक्ति द्वारा पोंग बांध विस्थापितों की मांगों को लेकर एक विशाल रैली निकाली गई। वहीं पोंग बांध समिति के सदस्यों ने भी इस मौके पर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। पोंग बांध समिति और युवा शक्ति द्वारा आयोजित एक विशाल बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 47 वर्षों से पोंग बांध विस्थापितों के साथ अन्याय हो रहा है और विस्थापित लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। समिति का कहना है कि जब भी चुनाव होते हैं तो नेताओं को विस्थापितों की याद आती है और बाद में वे भूल जाते हैं, लेकिन अब युवा विस्थापित चुप नहीं रहने वाले। समिति के सदस्यों का कहना है कि विस्थापितों को जो पहले चरण में आरक्षित जमीन दी गई थी वही भूमि उन्हें मिलनी चाहिए या उसके स्थान पर उन्हें मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर समिति द्वारा घोषणा की गई कि वे शीघ्र उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे, साथ ही आने वाले चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे। इस दौरान समिति ने चेताया कि प्रदेश के जितने भी पोंग बांध विस्थापित हैं उन्हें एक मंच पर लाया जाएगा और एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। हमारा यही मुद्दा है कि हमें जो रक्षित की गई हमारी भूमि पोंग डैम औस्तियों के लिए 2.20 लाख एकड़ जमीन वो ही हमें दी जाए। उसके अलावा फेज 2 में जो अलॉटमेंट की जा रही है वो बंद की जाए, वो हमें नहीं चाहिए। जहाँ वो जमीन नहीं है तो उसके अलावा हमें मुआवजा दिया जाए, 48 सालों का वो कंपनसेशन दिया जाए और मुआवजा, यही हमारी मांग है। और इसके अलावा हम सेकंड फेज में भूमि नहीं लेना चाहते, जो ना जो है ना उसमें पानी लगता है, ना बिजली सुविधा, ना सड़क सुविधा, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हमें भूमि दी जा रही है, इसी के खिलाफ हमने आज की रैली निकाली हुई है। DC R&R ऑफिस के बाहर होगा, क्योंकि हमें हमारे जो वही मुआइंदे हैं उनको ही मतलब डैम औस्तियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रखा गया है, लेकिन उनकी तरफ से आज दिन तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे डैम औस्तियों को कोई मतलब हल मिला हो, उनकी प्रॉब्लम का कोई हल हुआ हो। अभी हमारे पिछले महीने हमारा एक वतन सिंह जी नाम के जो डैम औस्ती थे उनको उनकी ज़मीन से राजस्थान से उठा लिया गया। 10 दिन बाद उनको उनके घर पर पहुँचे वो सकुशल, वो भी हमारी पूरी एफर्ट करने के बाद। यहाँ से हम DC जी के पास गए धर्मशाला और SSP ऑफिस जाके कंप्लेंट लिखाई है, उनको बताया है कि हमारे SS वतन सिंह जी को उठा लिया गया है, तो उनको जो है सकुशल वापस लाया जाए। तो अगर क्या गवर्नमेंट हमें ये मतलब सहारना देती है कि अगर हमें कोई मुरब्बा वहाँ पे मिल भी जाता है तो हमारे जो डैम औस्ती हैं वो वहाँ अपनी मर्जी से उसे सुरक्षित तरीके से उसे उपजाऊ बना सकते हैं और खेती कर सकते हैं वहाँ पर। तो इन्हीं मांगों को लेकर हम आगे आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें चक्का जाम भी शामिल होगा। हम गवर्नमेंट को नोटिस देने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो डैम औस्तियों का जो मुद्दा पिछले 50 सालों से लटका हुआ है उसे हल करे, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। हम वोटिंग को भी, हम जो आगे आने वाले इलेक्शन है उनका भी बहिष्कार करेंगे और किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने घरों में क्या गांव में नहीं घुसने देंगे। हमारा पोंग डैम औस्तियों का हिमाचल सरकार से निवेदन है कि हमें जो राजस्थान में प्रथम चरण में पोंग बांध विस्थापितों के लिए रक्षित की गई भूमि है, हमें केवल वो ही भूमि दी जाए। द्वितीय चरण की भूमि हमें मंजूर नहीं है, जिसमें कि कोई भी सुविधा नहीं है, बिजली, पानी, सड़क। आज जो द्वितीय चरण में भूमि दी जा रही है वो केवल भारत पाक सीमा पर स्थित है और ट्राइबल इलाकों में दी जा रही है, जहाँ आने वाले कई वर्षों तक भी वहाँ सुविधाएँ नहीं पहुँच सकेंगी। और अगर राजस्थान सरकार ये नहीं कर सकती है तो हमें 48 सालों का वित्तीय मुआवजा और प्रथम चरण की मार्केट वैल्यू की भूमि का मुआवजा दिया जाए। और हिमाचल सरकार से विशेष अनुरोध है कि वो हमारी वाजिब मांगों को तो माने। राजस्थान सरकार अपने लोगों की अवैध मांगों को मानती है, उनका समर्थन करती है, मगर हिमाचल सरकार हमारी वाजिब मांगों को नहीं मानती है। समर्थन नहीं, अपने नागरिकों का वो समर्थन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है हिमाचल सरकार? क्यों वो कोई उनको कोई दबाव है, किसी का कोई डर है? हमारी विशेष अनुरोध है हिमाचल सरकार से कि अपने नागरिकों का, अपने विस्थापितों का वो समर्थन करे और उनके हितों की रक्षा करे। सिटी चैनल के लिए जवाली से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।